हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज एक तारीख है और न्यू रेजोल्यूशन जैसे कि हर किसी का रहता है, तो हमारा भी न्यू रेजोल्यूशन है कि जो हमारी भी फैमिली मेंबर अराउंड 24,000 के आसपास, इसको हम इंक्रीज करके 50,000 के आसपास पहुंच जाए, जिसमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा लगेगा ताकि ये क्वालिटी कंटेंट हर किसी के पास पहुंच सके। क्योंकि आप जानते हो कि मेरा चैनल प्योरली फोकस करता है माइक्रो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज जो कि अंडर वैल्यूड है और लॉन्ग रन में बेहतर कर सकता है। सो हम और सिर्फ उसे बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, जिसका बिजनेस बेहतर होता है उसी स्टॉक को कंसीडर करके रिसर्च करते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियोस को, चैनल को शेयर करें। आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.finkaro.com, जहां पे आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स रीड करने मिलेंगे, जिससे आप डिसीजन लेने में आपको काफी आसानी होगा। तो आज भी संडे है और उसके लिए मैंने आपके लिए एक यूनिक माइक्रो कैप लेके आया है, उसके बिजनेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। हम यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ वैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये कंपनी सही में लॉन्ग रन में बेहतर करेगा कि नहीं। तो हमारे साथ बने रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। सो फिलहाल अगर हम इंडिया का पोजीशन देखें ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, तो काफी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है बिकॉज ऑफ स्किल्ड मैन पावर आपका इस स्पेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू जो मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो दूसरी कंट्रीज में, जैसे वियतनाम, ये सब हो गया, चाइना, राइट। फिलहाल हमारा जो ओवरऑल इंडिया का टेक्सटाइल या अप्रैल एक्सपोर्ट अराउंड 2022 में $44.4 बिलियन के आसपास स्टूड हुआ है, जो कि 41% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है 2021 के मुकाबले। और यहीं पे रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें कॉटन एक्सेसरीज में, अराउंड $6.19 बिलियन के आसपास का शो कर रहा है। अभी के टाइम पे आपने देखा रहेगा 2015 से लेकर के 2020 के दरमियान में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स आए जहां पे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क जो कि अराउंड $184.98 मिलियन के आसपास प्रपोज किया गया था, ये स्कीम सो दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। और सेकेंड रिसेंटली फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अराउंड $961.11 मिलियन के आसपास का खर्चा किए हैं। सो ये जो एक्सपेक्टेड है, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, अराउंड 10% CAGR से ग्रो हो रहा है और एक्सपेक्टेड है 2026 तक ये इंडस्ट्री इंडिया की $190 बिलियन के आसपास इंडस्ट्री पहुंच जाएगा। पूरे ग्लोबल लेवल पे देखें तो हम अराउंड 4% के आसपास ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का टेक्सटाइल कंसीडर आप कर सकते हो, टेक्सटाइल और अपैरल के अंदर में, जहां पे 4.5 करोड़ के ऊपर ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और बहुत सारे ऐसे मोर देन 35.22 लाख अपने आपका वर्कर्स अक्रॉस कंट्री एक तरह से प्रेजेंट है, अलग अलग जो फैक्ट्रीज होते हैं उसकी अगर हम चर्चा करें। सो अभी के टाइम पे जिस सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करता है, जहां पे पॉलिस्टर यार्न पे फोकस करता है जो कि वाइडली ग्लोबली यूज है, अगर हम एनुअल प्रोडक्शन देखें 61 मिलियन टन के आसपास ये प्रोड्यूस किया जाता है पूरे ग्लोबल लेवल पे, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 54% उसके अंदर में भी अराउंड फाइबर प्रोडक्शन होता है, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर की बात करें, जो मैनमेड फाइबर होते हैं 2021 के डेटा के हिसाब से, क्योंकि जो रैपिडली अभी के टाइम पे जो ट्रेंड है फैशन का और लिविंग स्टैंडर्ड हो गया एक्सेट्रा, पॉलिस्टर का जो जो ग्रोथ है उसको एक तरह से इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्विक ड्राइंग कैपेसिटी, इजी टू क्लीन प्रॉपर्टी, साथ साथ में स्पोर्ट्स और एथलीट क्लोथिंग के अंदर में काफी ज्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट एंड मॉइस्चर विकिंग प्रॉपर्टीज। तो इसके वजह से पॉलिस्टर यार्न के अंदर में ग्रोथ है और मैनमेड फाइबर के ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है एज कम्पेयर टू आपका नेचुरल फाइबर्स, जहां पे 93% ग्रोथ अगर ग्लोबल लेवल पे देखे वर्ल्ड वाइड में अराउंड लास्ट 13 ईयर्स में सिंथेटिक फाइबर्स में ही पाया गया है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि मैनमेड और जो टेक्निकल टेक्सटाइल हो या सिंथेटिक फाइबर वहां पे ग्रोथ हो, इसके लिए मैंने कंपनी को कंसिडर किया है। तो इस कंपनी की बात करें जो कि एक तरह से लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न के अंदर में, 1994 में कंपनी एक तरह से एस्टैब्लिश हुआ, जहां पे कंपनी स्टार्टिंग में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में डील करता है, जहां पे ये पूरा का पूरा काफी बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करता है। एक टाइम पे 1000 इनका कैपेसिटी था स्टार्टिंग में, आज वही मोर देन 400,000 मेट्रिक टन के आसपास कैपेसिटी पहुंच चुका है, जहां पे इनका जो दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है दादर नागरा हवेली में, राइट, एक दहेज में है, जहां पे
ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिलहाल इनका महाराष्ट्र में भी प्लानिंग चल रहा है अकॉर्डिंग टू जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल है इनका। तो बिकॉज ऑफ गुड लीडरशिप अच्छा खासा कैपिटल एलोकेट कर पा रहे हैं, अपनी इफिशियंसी को अच्छे खासे बेहतर यूज कर पा रहे हैं, साथ साथ में अपनी जो प्रेजेंस को उसको इंक्रीज कर पा रहे हैं। कंपनी को जो रेटिंग है लॉन्ग टर्म के लिए A+ मिला है क्रेडिट रेटिंग, 45 कंट्रीज में अवेलेबल है, फिर कंटिनेंट्स में, और मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी को। सो ये कंपनी का ब्रीफ था। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल की बात करें, क्योंकि कंपनी पॉलिस्टर फिलामेंट के अंदर में या मैनमेड फैब्रिक के अंदर डील करता है, इसके लिए एक तरह से ये लीडिंग मार्केट लीडर एक तरीके से, राइट। तो इनका बिजनेस मॉडल कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर में पॉलिस्टर चीप, जिसके अंदर में इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट या पॉलिस्टर चीप आपका यूज किया जाता है, जहां पे पॉलिस्टर यार्न ही मैन्युफैक्चर करते हैं। सेकंड इनका आता है फुल्ली ड्रॉन यार्न। आप इस इनके वेबसाइट पे जरूर विजिट करना, आप अगर प्लानिंग कर रहे हो ये स्टॉक को परचेस करने का, तो आपको और क्लियर आइडिया मिलेगा, जहां पे ये ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशली फॉर चिल्ड्रन और लेडीज के लिए जो फुल्ली ड्रॉन यार्न होते हैं FDY पॉलिस्टर, वो यूज किया जाता है। दूसरा पॉलीप्रोपिलीन मल्टीफिलामेंट क्रिम्प हो गया, जो कि आपका दूसरा अंडरगारमेंट और स्पोर्ट्स वियर के लिए यूज करते हैं। पॉलिस्टर पार्शियली ओरिएंटेड यार्न POY करके होता है, वो भी आपका डिफरेंट वीविंग और नेटिंग के लिए यूज किया जाता है एक्सेट्रा। सो ओवरऑल इनका जो ब्रेकअप आप रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास इनका बिजनेस इनका पॉलिस्टर DTY या जो ड्रॉन आपका जो ये ड्रॉन टेक्सचर यार्न, वहां से पूरा का पूरा एक तरह से डिराइव करते हैं। उसके बाद दूसरा बिजनेस आ जाता है पॉलिस्टर FDY एंड सो ऑन। तो इनका पूरा का पूरा मैन मेड फैब्रिक के अंदर में डील करते हैं, जहां पे ग्रोथ ज्यादा एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स को अगर कंसिडर करें, राइट। तो इसके लिए स्टॉक को मैंने कंसिडर किया है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पे जो इनका जो ये पॉलिस्टर यार्न कहाँ कहाँ यूज करते हैं मैनमेड फैब्रिक के अंदर में। तो ये आपको दिखेगा वुमेन वेयर्स में हो गया, या होम टेक्सटाइल में हो गया, गारमेंट्स में हो गया, आउटडोर्स एंड उसके अंदर में आ गया, राइट। तो ये ओवरऑल हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझा कि कंपनी ये मैन्युफैक्चर करता है। नाउ अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें, तो लास्ट कुछ सालों में ऑलमोस्ट हम 5 ईयर्स में देखें तो 47.4% CAGR से कंपनी का पैट ग्रो हो रहा है, बीइंग अ माइक्रो कैप कंपनी, राइट। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन डोमेस्टिक मैनमेड यार्न, मतलब अगर मैनमेड यार्न में देखें तो ये एक तरह से लार्जेस्ट प्लेयर है, और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैटर करता है, मतलब डिफरेंट वराइटीज को, जिसमें अलग अलग इनर वेयर्स आ गया, आउटडोर्स आ गया, स्पोर्टिंग आ गया, एथलेजर आ गया, सबके अंदर भी ये बताते हैं या एक तरह से प्रोडक्ट सेल करते हैं। डाइवर्सिफाइड लोकेशन है, मोर देन 45 कंट्रीज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 170 टू 180 के आसपास इनका ड्रिलर है, और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये इनका स्ट्रेंथ में है, राइट। दूसरा एक स्ट्रेंथ इनका ये भी है कि जो मैंने इनका जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है और जो कॉन्फ्रेंस कॉल, तो यहां से इनका जो मैनेजमेंट है जो एक्शन लेते हैं, जो भी वो प्रॉमिस करते हैं उस चीज को डिलीवर कर देते हैं, ये चीज मैंने नोटिस किया है। कि फिलहाल उनका पावर प्लांट के ऊपर डिस्कशन चल रहा हो सोलार एनर्जी के, इस पे सो दैट अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सके, या फिर कैटोनिक यान करके एक नया चीज वो इंक्लूड करने वाले हैं, जहां पर उनको लगता है कि वहां से वो भी एक थोड़ा सा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे, राइट। ये सब चीज नोटिस आप कर सकते हो कॉन कॉल में। अब फ्यूचर आउटलुक की बात करें, इनका फिलहाल जो प्लानिंग है, जो फिलहाल कमीशन एंड कमेंस्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स ऑफ 30 MW कैपेसिटी एट दहेज। अब ये क्यों कर रहे हैं, कि रिसेंटली जो क्रूड ऑयल प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो, सप्लाई चेन और कमोडिटी प्राइसेस हो, तो उसके वजह से ये सारी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो कॉस्ट इनका कम से 2 से 3 रुपए के आसपास का यूनिट डाउन हो जाएगा, तो ओवरऑल इनका जो मार्जिन वो इम्प्रूव हो पाएगा, जो फिलहाल डाउन हुआ है। दूसरा, कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पे केमिकल रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिस्टर वेस्ट, इनका जो जो फिलहाल इनका चल रहा है कि कल जाकर इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इनके कॉल कॉल में ये रिसाइकलिंग करने का मतलब ये नहीं कि उनका रेवेन्यू बेहतर हो जाएगा उसको रिसाइकिल करके वही प्रोडक्ट, लेकिन वो मार्केट में चाहे तो सेल कर सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा इंडस्ट्री में नहीं कर रहा, और ये उस चीज को कर रहे हैं। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनको ये फायदा देगा, जिससे उनकी मशीन की क्वालिटी को समझ में आएगा कि कैसा है। तीसरा, इट इज अ प्रोसेस सेटिंग 1500 kg पर डे प्लॉट प्लांट विच हेल्प टू रिवैल्यूएट द प्रोसेस कंडीशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जो भी करने वाले रिसाइकल उसमें 1500 kg पर डे के आसपास करने वाले हैं। दूसरा, अंडर जो FY23 में कैपेक्स किया है फॉर POY कैपेसिटी, जहां पे 120 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से करेंगे, और दूसरा DTY में 150 मेट्रिक टन पर डे, जो पहले कम हुआ करता था।
उसके बाद जितना जो रैपिडली चेंज हो रहा है, पॉलिस्टर का डिमांड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्विक ड्राइंग और इजी टू क्लीन प्रॉपर्टी की वजह से इनको फायदा होगा। और भी कुछ फैक्टर आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर इंडियन मैन मेड फाइबर्स इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड टूवर्ड्स MMF, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए। बीच में आपने निर्मला सीतारमन का भी आपने इंटरव्यू देखा रहेगा। दूसरा, इंक्रीजिंग ऑनलाइन ट्रेंड, कि आजकल ऑनलाइन ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और पॉलिस्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, यान के ऊपर मैनमेड। लोअर देन वर्ल्ड एवरेज पर कैपिटा फाइबर कंजम्पशन, इंडिया में जो फाइबर या पर कैपिटा कंजम्पशन है इसका देखे तो फाइबर का अराउंड जस्ट 5.5 kg, ऑन एवरेज ग्लोबल का ले रहे थे 11 kg के आसपास, और हमारे देश में इतनी आबादी है कि लॉन्ग रन में और तो ग्रो होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये चार्ट भी देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ज्यादा कंजम्पशन है, एंड डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम अभी डाउन, लेकिन ओवर द पीरियड हमारा कल जाकर के $2,500-$3,000 के आसपास पहुंचेगा तो बेहतर करेगा। तो जो माइक्रो कैप कंपनी हम पकड़ते हैं जो 2,000 करोड़ की है, उसको 10,000 करोड़ में 5 साल होगा तो 5 गुना हो सकता है, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसी इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, जहां पे इम्पोर्ट ड्यूटी बाहर से हम बहुत ज्यादा लेकर के आ रहे थे, चाइना में थोड़ा स्लो डाउन हुआ तो चाइना में जितने भी प्रोड्यूसर जो टेक्सटाइल के, वो इंडिया में एक तरह से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन कोविड का ये स्ट्रेस था, तो उन्होंने एक तरह से आउटसाइड एक्सपोर्ट करना चालू किया। लेकिन इंडिया ने उस पर क्या किया कि कुछ 300 टेक्सटाइल कैटेगरीज को एक तरह से कहूँ तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दिया, जिससे जो लोकल डिमांड है वो इंक्रीज हो सके, राइट। इसमें बहुत सारे पॉलिसी आप यहाँ देख सकते हैं, और साथ साथ में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क भी सेटअप करने वाले हैं, राइट। और दूसरा PLI स्कीम में अराउंड 10,683 करोड़ के आसपास का प्लानिंग है। लेकिन ये जो 7 मेगा टेक्सटाइल है या 10,683 करोड़ का प्लानिंग है जो PLI स्कीम से टेक्सटाइल कंपनीज को मिलने वाला है, लेकिन जो इस कंपनी की मैनेजमेंट है वो काफी क्लियर, उन्होंने कहा कि उसका जो फायदा है ना वो सिर्फ कैपेसिटी को इंक्रीज करने में होगा, ना कि कंपनी के रेवेन्यू में ज्यादा फायदा होगा। तो कैपेसिटी इंक्रीज होगा, लेकिन उनका मानना है कि 2024 के एंड के बाद, मतलब 2025 की शुरुआत होगी ना, तभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपको ज्यादा फायदा दिखने मिलेगा। तो अभी के टाइम पे जो भी टेक्सटाइल स्टॉक को पकड़ रहे हैं उनको अभी होल्ड करके रखना पड़ेगा, उनको वैल्यू देखना पड़ेगा किस बिजनेस में बेहतर है, और वो कंपनी के मैनेजमेंट एक्शन ले रहे हैं। तो उनका मानना है ये PLI स्कीम या जितने भी 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये सब कुछ फायदा करेंगे फॉर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, और कंपनी ऑलरेडी इंक्रीज कर चुकी है, वॉल्यूम बढ़ा चुकी है, लेकिन कंपनी का मार्जिन काफी इस सेगमेंट में काफी ज्यादा इम्पैक्टेड है, राइट। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कंपनी जो ओवरऑल मार्केट कैप है अराउंड 2,238 करोड़ के आसपास है, अराउंड 46 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। तो माइक्रो कैप है, 2,000 करोड़ की कंपनी है लगभग। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन लास्ट 10 सालों में, 2011 में 486 करोड़ के आसपास का धंधा था, और एक्सपेक्टेड 2023 के फाइनेंशियल ईयर मार्च में अराउंड ये 4,351 करोड़ के आसपास का हो जाएगा, मतलब 10 गुना बिजनेस जम गया ऑलमोस्ट 10 से 11 साल के अंदर में, राइट। लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है का 9%, 7%, 2% एक तरह हुआ करता था, और लास्ट 2 ईयर्स में 21, 22 और अभी के टाइम पे ये बीच में इंक्रीज हुआ 16%, फिर डाउन 14%, फिर 10%। तो इस कंपनी का आप चार्ट भी नोटिस करना कि उसी हिसाब से कंपनी का चार्ट इंक्रीज हुआ था, स्टॉक काफी ऊपर गया, फिर से स्टॉक काफी नीचे आया क्योंकि कंपनी का मार्जिन इंक्रीज हुआ, राइट। क्योंकि उस टाइम पे जो जो इश्यूज थे, या फिर एक तरह से कहूं डिमांड सडनली जो टेक्सटाइल कंपनीज के स्टॉक के लिए फायदा था, राइट, उसके वजह से कंपनी को फायदा हो रहा था कि वॉल्यूम भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, राइट। सो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन मेरा मानना है कि आने वाले कुछ क्वार्टर तक सबड्यूड रहेगा, लेकिन कंपनी ने डबल डिजिट में अपना ऑपरेटिंग मार्जिन ले आया है, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये मेंटेन कर पाता है वेल एंड गुड, क्योंकि माइक्रो कैप कंपनीज है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी आपको पूरे पोर्टफोलियो में अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख के ऊपर का एक्सपोजर नहीं रखना है, 7 से 8 लाख के ऊपर का नहीं रखना है, बस उतना ही रखना है ताकि आप रिस्क लो अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करके, राइट। इनका प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट भी देखो तो अराउंड 245 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, मतलब पैट मार्जिन भी बहुत ही लेस, अराउंड 5% के आसपास का पैट दिख रहा है, राइट, 5% के आसपास का पैट दिख रहा है या 7% के आसपास का दिख रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग रन मेरे ख्याल से 8 से 10% के बीच में पैट मार्जिन आपका मेंटेन
कर पाएगा, ये चीज भी आपको नोटिस करना। और ईपीएस बीच में ग्रो हुआ था, आप देख सकते हो कैंसलिंग का पार्ट है, उसके वजह से स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा रिएक्ट किया था, लेकिन अभी फिर से डाउन है। तो मे भी मेरे ख्याल से आने वाला 2 क्वार्टर आप देखना, अभी तो फेस्टिव सीजन था, तो शायद कंपनी 3rd quarter नंबर बेहतर रिपोर्ट कर पाएगी, या उससे पहले ही उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है और वो सेल हो जाता है, राइट। ये कंपनी लास्ट 6 ईयर अराउंड 20% CAGR से अपना सेल्स इंक्रीज कर पा रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी और प्रोडक्ट मिक्स और कैपेसिटी चेंज करने में। ऑलमोस्ट 72% के आसपास इनका रेवेन्यू ऑपरेशन ग्रो हुआ है लास्ट कुछ 2021 के मुकाबले, राइट। साथ साथ में कंपनी का अगर आप इबिट्टा मार्जिन देखोगे तो इस टाइम पे वो भी इम्प्रूव हुआ है, मतलब अप्स एंड डाउन देखने मिला है लास्ट 6 to 7 years में, तो मेंटेन किया है बिकॉज ऑफ DTY और FDY जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने के लिए उनका मिक्स एक तरह से देखने, इसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, राइट। तो उसके वजह से कंपनी बेहतर कर पा रहा है, 35% के आसपास ग्रोथ देखने मिलने वाला मिला है बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट मिक्स। साथ साथ में कंपनी ने लास्ट 2018 से लेकर के अभी तक 2022 तक कंपनी ने अपना डेट डाउन किया है, डेट टू इक्विटी रेशियो एक टाइम पे 1.85 था, जब के टाइम पे 0.33 के आसपास है। ओवरऑल कंपनी ने फिर से डेट लिया है फॉर आपका जो प्लांट है और मशीनरीज इक्विपमेंट को सेटअप करने के लिए, पर उनको लगता है डिमांड है इसके लिए लिया है। ऑलमोस्ट 30% के ऊपर ROE और ROCE मेंटेन कर पा रहा है, और कंपनी अपने कैपेक्स का एक तरह से जो भी कर इन्वेस्टमेंट उसको रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर पा रहा है। कंपनी का लास्ट 5 years का एवरेज PE मल्टीपल अराउंड 9.6 के आसपास का है, और अभी के टाइम पे 8.1 के आसपास 8.3 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने फेयर प्राइस के आसपास आ चुका है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप ये चार्ट देख करके देख सकते हो कि स्टॉक कहां तक आया था 37 और 38, तो मेरा मानना है कि 32 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, और उसके बाद ये जो साइक्लिकल अप दिख रहा है उसके बाद डाउन फिर अप फिर डाउन, तो ये कहां तक आएगा, ये डाउन आएगा तो उस लेवल पे एक तरह से एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये मेरा रिसर्च और एनालिसिस है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लें, और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इसी तरह हमारे साथ बने रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। धन्यवाद।